क्या बॉलिंग की है, क्या बैटिंग की है। भारत ने बांग्लादेश को हराया नहीं है, रगड़ा है, रगड़ा। ऐसे कौन हराता है भाई। पूरी भारतीय टीम ऐसा खेल रही थी जैसे मानो कोच गंभीर ने बोलकर भेजा हो कि अगर खराब खेला तो डिनर की जगह कुछ और ही खाने को मिलेगा। वैसे तो ये भारतीय टीम बिल्कुल नई थी, लेकिन जैसा खेली है ना, उससे एक चीज तो साफ है कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बिल्कुल सही ट्रैक पर है। जिस खिलाड़ी को जो जिम्मेदारी दी गई उसने उसे बखूबी पूरा किया और कोच गंभीर की उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आइए आपको मैच का सूरत हाल बताते हैं कि मैच में क्या क्या हुआ और भारत ने पहले अपने दो नए खिलाड़ियों मयंक यादव और नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू कराया। इसके बाद टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसीजन लिया और उसे सही साबित किया अर्शदीप सिंह और भारतीय बॉलर्स ने। अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश के 3 विकेट झटके और वहीं युवा भारतीय स्पीड गन मयंक यादव ने अपना पहला ओवर मैडन डाला। ऐसे करने वाले वो विश्व के तीसरे बॉलर बने और भारत और 3 साल बाद मैदान पर वापसी कर रहे वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट झटके और टीम में अपने चयन को सही ठहराया। भारतीय बॉलर्स के जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश के बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर पाए और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे, जिसकी वजह से वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। इसके बाद बैटिंग करने आए भारतीय टीम ने इस स्कोर को आसानी से चेंज कर लिया, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाए। भारतीय टीम ने 12 ओवर में 132 रन बनाकर 7 विकेट से मैच को जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं और अगर आपको भारतीय टीम को कोई मैसेज देना है तो कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।